जो आपके परिचय में मैंने कहा था कि हेडिंग की सब हेडिंग्स बहुत सारी हैं, आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि हारमोनियम बजाता था, कॉन्गो बजाता था, तबला बजाता था, सितार तो खैर बजाते ही थे, फ्लूट आपकी पहचान है ही है। इसके अलावा मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे फोक के ऐसी 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 चीजों में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो अब मेरा, चूंकि मैं अभी ईमानदारी से स्वीकार कर चुका हूं कि मेरा म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है, आप ही बता दीजिए कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अब भी सिंसियरली बजाते हैं। कुछ तो संभवतः छूट गए होंगे। नहीं, काफी सारी छुट्टी हैं। मैं कोशिश ही कर रहा हूं, बल्कि आयरिश म्यूजिक है, आयरलैंड की, इंग्लैंड के ऊपर उत्तरी बरतानिया, अगर हिंदी में कहें तो आयरलैंड, नहीं पश्चिमी बरतानिया, वो तो अलग से आयरलैंड ही। आयरिश फोक फ्लूट आती है, टिन विजल आती है, उस पर मेरी रुचि जागी वो टाइटैनिक फिल्म देखने के बाद, कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। साउंड तो बांसुरी जैसा कर रहा है पर बांसुरी जैसा है नहीं। फिर मैं यानी का, हमारे यहाँ ताजमहल में प्रोग्राम हुआ था, और उनके यहाँ एक पेड्रो यूस्टाची नाम के फ्लूट प्लेयर आए थे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, बांसुरी भी बजाते थे, बहुत ही सुंदर। तो इटालियन है वो, उस समय तो ये गूगल वूगल तो था नहीं, पर धीरे धीरे करके बातचीत करने के बाद, फिर नवीन भाई जो रहमान साहब के यहाँ, उनके सारे पुराने जो अर्ली सॉन्ग्स में जो उन्होंने बजाया था, उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लूट के ऐसे भी साउंड्स हो सकते हैं। फिर पता चला कि अलग अलग प्रकार की बांसुरियां हैं, बांसुरी है नहीं हमारे यहाँ की, है ही नहीं, और भी ये बहुत सारे प्रकार हैं उसके। तो फिर उस पर नवीन भाई को मिला जब बॉम्बे आया, तो उनको मैंने, सलीम सुलेमान जो है भाई म्यूजिक डायरेक्टर, उनके यहाँ काफी काम करता था मैं, जिंगल्स और एड फिल्म्स, उनके फिल्म के प्रवेश के पहले की बात। पर जब हम तुम की रिकॉर्डिंग हुई थी तो सलीम ने मुझे बताया कि नवीन भाई का आज रिकॉर्डिंग है, तुम आ जाओ। इत्तेफाक से ये हुआ कि फर्स्ट हाफ जहां तक मैंने उनकी रिकॉर्डिंग देखी थी वहां तक वो बजा पाए उस दिन, फिर उनको जाना था कहीं और वो दौरे पे निकल गए कहीं, और फिर सेकेंड हाफ फिल्म में मैंने बजाया उस फिल्म में। पर उस दिन जब उनसे मिला, उसके बाद फिर दो तीन बार उनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट्स पे और ये खुद, तो उनसे भी बातें होती थी। फिर पता चला कि चाइनीज फ्लूट एक होता है, चाइनीज क्लासिकल म्यूजिक में चाइनीज फ्लूट एक होता है जिसमें बांसुरी का ही टेक्निक है, पर वो एक प्रकार के वुड से बनता है, बांसुरी तो बांबू की है, घास का प्रकार है ये, किसी पेड़ को खोखला बना के अंदर से, और उसमें बजाने उंगलियों के छेद और ब्लोइंग होल के बीच में एक और छेद होता है जिस पर वो एक चावल के गोंद का बना हुआ पेपर लगाते हैं, उस पर राइस पेपर कहते हैं, तो उसमें से एक वो बीन जैसी आवाज आती है सी करके, तो साउंड फ्लूट का, पर उसके साथ वो एक डायफ्राम की तरह काम करता है वो, तो उसके उसका एक गूंज है वो चाइनीज फ्लूट में, उसको चाइनीज फ्लूट कहते हैं, बेंदी कहते हैं शायद, पर चाइनीज फ्लूट हमारे सादे लैंग्वेज में। वो मैंने उठाया, सिंगापुर गया था तभी, फिर इंग्लैंड में मुझे किसी ने ये आयरिश फ्लूट्स की एक तीन चार बांस फ्लूटों फ्लूट्स की एक सेट उन्होंने गिफ्ट करी थी। फिर यूएस पहला मेरा टूर था, पंडित जसराज जी की एकेडमी में कंपटीशन थी, तो उस पे वहाँ उन्होंने फाइनल रखा था। तो वहाँ जाने के बाद एक ही दिन था, तो मैं किसी को पहचान बना के कहीं से, मुझे पता भी नहीं था कैसे वो सब डॉलर्स और ये वो सब कुछ नहीं था, वाज व्हाट आई थिंक 21 और समथिंग। तो फिर 48 स्ट्रीट में, उस समय सामाइश म्यूजिक 48 स्ट्रीट में हुआ करता था, अब 48 स्ट्रीट बंद हो चुका है टाइम स्क्वायर के पास, वहां जाके सामाश गया, तो सामाश में तो मिल ही नहीं रहा कुछ, पर सामने देखा न्यूयॉर्क म्यूजिकल्स नाम की एक छोटी सी दुकान है, ये जो दरवाजा दिख रहा है इतना ही, मतलब वो दुकान अंदर भी वैसे ही था, वहां पे एक लड़की सेल्स वुमन थी और दुनिया भर के विंड इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे, और मेरे पास पैसे इतने थे नहीं, तो मुझसे जितने हो पाए मैंने किया, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, अच्छा शाकुहाची भी है, शाकुहाची होता है एक जापानी फ्लूट, ये नवीन भाई मुझसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, पर मैंने जितना हो सके मैंने उसको कलेक्ट किया। एक होता है ओकारीना, मेरे पास आयरिश फ्लूट, चाइनीज फ्लूट, ओकारीना है, मिट्टी की बनती है और गोल आकार का होता है, और उसी में ऐसे छेद होते हैं और एक तरफ उसकी विजिल जैसी ब्लोइंग होती है, ओकारीना का साउंड भी अलग। फिर एक होता है पैन फ्लूट, जबकि पैन फ्लूट में मेरी इतनी माहिरी हासिल नहीं हुई है पर मैंने कोशिश जरूर किया। एक टर्किश ने फ्लूट होता है जो यूं रख के बजाया जाता है,
तो यूं सीधा हल्का सा एंगल में होता है। ने फ्लूट्स चेक करिएगा अगर दर्शक यूट्यूब पर, ने एन ई वाई स्पेलिंग है, टर्किश ने है, और उसके अलावा एक ने के और एक प्रकार भी है, आई थिंक इजिप्शियन ने भी होता है। दोनों में प्लेइंग टेक्निक सिमिलर है पर साउंड बहुत अलग है दोनों के, उनके म्यूजिक के, उनके जो जैसे अरबिक म्यूजिक में 72, जैसे हिंदी में हिंदुस्तानी में 10 प्रमुख थाट हैं, कर्नाटिक में 72 मेलकर्ता कहते हैं हमें, थाट के प्रकार होते हैं मेलकर्ता, उसी तरह से 72 उनके भी थाट के कुछ, उसका एक वर्ड है वो। इस बार मैं दुबई गया था तो सना मूसा नाम की एक बहुत बड़ी सिंगर है माहिर अरबिक वोकल्स, रहमान सर के साथ जब हम गए थे तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी वही कहा कि शायद हमने भी कभी ना कभी कर्नाटिक म्यूजिक से इस चीज को लिया होगा, पर 72 अलग अलग श्रुतियों की कॉम्बिनेशन से स्केल्स उन्होंने बनाई है उनकी। सो ने फ्लूट पर कोशिश जारी है, आवाज नहीं आती, पर ओकारिना में काफी अच्छा बजा लेता हूँ। और एक रिकॉर्डर होता है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का, रिकॉर्डर और इंग्लिश फ्लूट। रिकॉर्डर में ब्लैक फिल्म आई थी भंसाली साहब की, उसका मेन थीम मेरे वो बेस रिकॉर्डर का थीम है वो। बस अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे। पर हाँ, लोक संगीत मैंने इंडियन फोक में तो बांसुरी का एक जो मेन जो प्रकार है, जैसे बंसी जिसे कहा जाता है, तो वो तो है ही, पर उसी का एडवांस्ड फॉर्म है आज की जो हमारी शास्त्रीय संगीत में जो बांसुरी पाई जाती है, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने प्रचलित किया जिस चीज को, वो अब ये है। अब इसमें भी और इनोवेशन जारी हैं, हमारे गुरुजी ने पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी ने उसमें पंचम एक थंब होल इंट्रोड्यूस किया है बांसुरी में, जिससे एक और सुर मतलब पूरे एक सप्तक का, पंचम से पंचम तक का ऑक्टेव मिल सकता है, जो नॉर्मल बांसुरी में नहीं होता। मध्यम पंचम में एक कटने की साउंड आती है, ऑक्टेव कटता है, तो वहां मींड नहीं पॉसिबल है। तो इन्होंने थंब होल इंट्रोड्यूस किया, किसी ने लिटिल फिंगर से, पन्नालाल घोष जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिटिल फिंगर के खोल के लिए कुछ किया था, उन्होंने पूरी पोजिशनिंग चेंज करी उनकी कि वो टच कर सकें, दूर पड़ता है वो। और कुछ लोगों ने अलग से वो की रखा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उस पर है वर्क इन प्रोग्रेस, और अच्छा ही होगा काम काफी। मैं अब आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इतनी सारी बातें हम लोगों ने की हैं तो आपको कुछ सुना भी जाए, लेकिन सुनने से पहले अभी अगर आपने नोटिस किया हो कि मैं आपसे बात करने के दौरान कुछ कुछ इशारे कर रहा था, दरअसल मेरी जो बेटी है मैं उससे कुछ किताबें इशारों में मंगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपको किताबें दिखानी चाहिए। जी जी, ये देखिए, ये किताब है माई फर्स्ट एडिंग बुक। अरे वाह, ये किताब है माई फर्स्ट नंबर बुक। ओके, अब इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये कहानी आपको सुना लूं फिर आपसे कहूंगा कि कुछ सुनाइए आप हमें कुछ, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा। मेरी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बच्चों को इंटरेस्टिंग ढंग से सिखाने की, तो हमने कहा यार ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग मेरे पिताजी ने भी पढ़ा था, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों को एक फॉर अकॉर्डियन, बी फॉर बैंजो, सी फॉर कॉन्गो, डी फॉर ड्रम पढ़ाया जाए। जी, ए टू जेड हमने इसका सारा इंस्ट्रूमेंट निकाला और ऐसी एक किताब छापी। बड़े, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह के लोगों को लोग कहते हैं पागल है, सनकी है, तो वो किताब किसी ने अप्रिशिएट नहीं की, किसी स्कूल में नहीं लगी, लेकिन हमने छापी। और उसके बाद हमने कहा कि ये बच्चों को जो एडिंग सिखाते हैं, आपने भी देखा होगा 1+1 तो साहब वहां पे दो सेब रख दिए, 1+1 2, फिर 1+2 में एक सेब और दो सेब और रख दिए 3। हमने कहा यार ये ऐसा बनाओ ना कि एक एक में ये बनाओ जी, एक ये है, दो में गिटार लगा दो जी, 3 में ये खोल लगा दो, ऐसे भी तो बच्चा सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद इससे जो वो सीखेगा वो उसके लिए एक नया अंदाज होगा। खैर अब ये तो मेरी बात हो गई, ये मेरा थोड़ा सा जो म्यूजिक के प्रति मेरा प्रेम है। जब कभी मैं मेरे चैनल पे इंटरव्यूज करूंगा तो सबसे पहले मैं आप ही का नंबर लगाऊंगा, और आपके इस पहलू को मुझे मेरे दर्शकों को भी बताना है कि ऐसा भी होना चाहिए, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर संगीत को प्राधान्य दिया जाना चाहिए तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मेरा खुद का फ्रॉम अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरा खुद का मानना है कि उस चीज को सिंपल करने की जरूरत नहीं है, पर आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो एकदम ही शुरुआती लेवल के बच्चे हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हों। बिल्कुल, क्योंकि केमिस्ट्री अगर फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे लिए सिंपल करा के नहीं पढ़ाते, वो तो अपनी फॉर्मूला बराबर बताते हैं, हमें मगअप करना होता है। तो टीचिंग की जो कोर टीचिंग जो होनी चाहिए ठोस, जिसको जिस जब बच्चा उस लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर तो जैसे बताया जाना चाहिए वैसा ही बताया जाना चाहिए, जब तक वो समझ ना जाए।
पर उसके पहले का जो लेवल है वो ये है, और ये मेरे अंदर भी बहुत एक बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर काल्पनिक, उन्होंने जागरूक किया है आपके इस चीज ने, उस बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल, पर एक अपना रिवर्स इंटरव्यू बनता ही है। अब अश्विन आप हमें क्या सुना रहे हैं ये बताइए, क्योंकि हमने बात बहुत सारी की और बहुत दिलचस्प बातचीत की, और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि चाय की चुस्कियों के बीच में एक कलाकार से बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। कॉफी देखिए, कॉफी है भी आपके पास। कुछ अब आपसे सुनना चाहेंगे। कॉफी से याद आया, मैं थोड़ा काफी सुनाता हूँ आपको। अरे क्या बात, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाया था जी। और उनके भाषण के बाद जो पहला राग हिंदुस्तान आजादी के हिंदुस्तान ने सुना था वो राग काफी ही था, और वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने सुनाया था, जो अब अश्विन जी सुनाने जा रहे हैं हमको। ये मुझे लगा कि मैं छेपक के तौर पर, वो उस लेवल का नहीं होगा शायद। मैं अपना जो भी है थोड़ा सा कोशिश करूंगा। मिश्र काफी, थोड़ा सा मिश्रित करके उस चीज को हल्का थोड़ा लाइट में जुड़ करते हैं। ये बड़ा अलौकिक अनुभव है अश्विन जी, क्योंकि बांसुरी तो वैसे भी इतना दैवीय किस्म का इंस्ट्रूमेंट लगता है कि आप बजा दीजिए तो बस लगता है कि सुनते ही जाएं, तो ये कहने का इशारा समझिए और इस लालच को समझिए कि अब आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि ये जो आपने छेड़ा है इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी करिए, कहने का मतलब बस इतना है। अच्छा ठीक है, मैं आजकल एक कोशिश कर रहा हूँ जी। टप्पा एक प्रकार है। अरे क्या बात, शास्त्रीय संगीत का बिल्कुल। और क्योंकि मैं गायकी अंग बजाने का प्रयत्न करता हूँ, टप्पा गाने का एक बहुत, मैंने बहुत कम लोगों ने उसको साधा है, और अभी भी कोशिश जारी है। मैं पिछले 2-2.5 साल से इस चीज को बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उस लय में बैठ नहीं रही जहां मैं चाह रहा हूँ।
और गायकी अंग में क्या है, थोड़ा सा मैं उस चीज का इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ। जरूर जरूर। गले में ना, गले की बातों में सीधे सीधे सुर नहीं लगते, उसमें एक खनक आती है, एक एक क्या कहते हैं उसको, हर सुर में अगर डिटेलिंग में सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो हर सुर में एक कण स्वर लग के फिर आता है, ये होता है, ऐसे बहुत कम होता है शास्त्रीय गायकी में। तो सुनाई हमको वो दे रहा, सारे का मैं पता नहीं था पम गरे जा पर निशान रे सगा रे मा गपा होता, ये होता है। सो इस वादन में जो शैली है मेरी, गुरुमा डॉक्टर एन राजम जी की शैली, वायलिन आप तो जानते ही हैं, तो उससे प्रेरित होकर मैं बांसुरी में उस चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और टप्पा उसमें एक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल प्रकार है, तो अगर गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ सबसे, पर मैं प्रयत्न अवश्य करूँगा, क्योंकि नहीं किया तो फिर क्या ही किया। ऐसे प्रयत्न का तो स्वागत होना चाहिए। सुना जानी, ये एक टप्पा। अभी तक यहीं तक जा रही है, उसके विस्तार बढ़त में काम चल रहा है। जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको अगर मेरी जानकारी सही नहीं होगी तो अश्विन जी से मैं गुजारिश करूंगा कि ठीक कर दें, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घराने हैं उसमें टप्पा ग्वालियर घराने में बहुत कहा जाता है कि बहुत वहां पर एक गढ़ है और बनारस गिरजा देवी जी वो भी काफी टप्पा गाती थी, उनकी जो शिष्याएं हैं जो अभी उनकी 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 परंपरा को आगे बढ़ा रही है वो भी गाती हैं। लेकिन ये बात अश्विन जी ने सही की कि कही कि जो उप शास्त्रीय संगीत है यानी सेमी क्लासिकल है उसमें ठुमरी दादरा चैती कजरी ये सब फिर भी ज्यादा सुनने को मिलता है, टप्पा उतना कम ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, और वो भी टप्पे पे अश्विन काम कर रहे हैं बांसुरी पर। तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे जो प्रयोग हैं उनका तो स्वागत होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।